खबर जबलपुर से। जबलपुर में भाजपा द्वारा जनजागरण अभियान चलाया जा रहा, जिसमें तेजी से वैक्सीनेशन करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा एल्गिन अस्पताल में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें जो लोग किसी कारणवश वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे या नहीं आ पा रहे, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। उन्हें लाने ले जाने के साथ साथ नाश्ते वितरण की भी मदद की जा रही। ये कार्यक्रम जीएस ठाकुर, पूर्व विधायक अचल सोनकर और लोकप्रिय सांसद राकेश सिंह के मार्गदर्शन में किया जा रहा, जिनका कहना है कि आगे भी कैंप लगाकर लगातार इस अभियान को जारी रखेंगे। मंडल की ओर से जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कोरोना वैक्सीन को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, एक ऐसा अभियान जो चलाया जा रहा है जो पूरे हिंदुस्तान में बहुत तेजी से कोरोना वैक्सीन टीका को लेकर ये हम लोग बूथ स्तर से ये अभियान चालू रख रहे हैं। आज भाजपा तिलक मंडल की ओर से एक कैंप लगाया गया, जिसमें हम लोगों ने यहाँ एल्गिन अस्पताल में आके यहाँ जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जो बहुत कमज़ोर है, उनको उनके घर तक छोड़ना, उनको यहाँ पे बैठा के चाय नाश्ते की व्यवस्था करना, तो ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही हैं। और हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद माननीय राकेश सिंह जी, यहाँ के हमारे पूर्व विधायक अंचल सोनकर जी और हमारे जीएस ठाकुर जी के निर्देश अनुसार हम लोगों ने यहाँ पे आके कैंप लगा के ये अभियान की शुरुआत की है। और ये अभियान निरंतर हर अस्पतालों के बाहर हम लोग एक कैंप लगा के ये कार्यक्रम करते रहेंगे, जिससे जनता का हमें सहयोग मिलता है। आज और हम जनता का सहयोग करते हैं। आज अपने कैंपस में लगभग कितने रजिस्ट्रेशन हो गए होंगे? आज हमारे यहाँ पे कम से कम 150 रजिस्ट्रेशन हुए, और हमने बाकायदा उन लोगों को यहाँ पे चाय नाश्ता और लाने ले जाने की व्यवस्था रखी हुई है। अशोक रोहिता, तिलक मंडल अध्यक्ष। कोरोना टीका का काम तेजी से चल रहा है। सरकार की जैसी अपेक्षा है, उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक केंद्र पर उपस्थित हैं। टेंट लगाकर पीने का पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। यदि कोई कमजोर आदमी है, उसके घर से बुला के पहुँचाने का काम है। उसके फार्म बनने में, उसके पन्ने में जो परेशानी आ रही है, उस परेशानी के निराकरण का प्रयास कर रहे हैं। पूरी तरह सरकार इसमें सफल हो, जनता का सहयोग बना रहे। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि वैक्सीनेशन से अधिक लोग लाभान्वित हो। आज जिले का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य तभी पूरा होगा जब जनता का सहयोग होगा। इसलिए हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। एल्गिन अस्पताल में हमारे तिलक मंडल और अनाकल मंडल सुभाष बोस मंडल के दोनों अध्यक्ष उपस्थित हैं और उनकी पूरी टीम उपस्थित है, और यहाँ रहकर ये सब सहायता कर। लगभग आज कितने रजिस्ट्रेशन हो गए होंगे टीकाकरण को लेकर के? इस केंद्र पे थोड़ा सा कम चल रहा है, क्योंकि ये महिलाओं से संबंधित अस्पताल माना जाता है, परंतु अभी भी यहाँ 100 से अधिक ऊपर यहाँ हो चुके हैं। और मुझे लग रहा है आज शाम तक लगभग 12 से 15 हज़ार तक सारे केंद्रों मिला के पंजीयन होंगे। मोतीलाल अस्पताल में चल रहा है, रामदेव अस्पताल में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है, विक्टोरिया में चल रहा है, कुछ प्राइवेट अस्पतालों में चल रहा है। मेरा अंदाज ऐसा है कि आज की तारीख में लगभग 14 से 15 हज़ार लोगों का टीका। खबर भारतवर्ष के लिए जबलपुर से कपिल नायक की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।